मेरे प्रिय शिष्यों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी बोर्ड के क्लास 11th के अंतर्गत हिंदी के गद्य सेक्शन का ये 8वां अध्याय है, गेहूं बनाम गुलाब। ये रामवृक्ष बैनीपुरी जी द्वारा लिखा गया एक निबंध है और ये भावात्मक निबंध है। इसमें गेहूं और गुलाब को एक दूसरे के तुलनात्मक अध्ययन में रखा गया और गेहूं जो प्रतीक है वो भौतिक समृद्धि का प्रतीक है, या ये कहें कि आर्थिक, राजनीतिक और भौतिक प्रगति का प्रतीक है, और जो गुलाब है वो संस्कृति और अध्यात्म का प्रतीक है। तो देखते हैं इसमें रामवृक्ष बैनीपुरी जी ने क्या कहा है। तो शुरू करने से पहले मैं स्टूडेंट से निवेदन करूंगा कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको भी हिट करें जिससे हम जो भी वीडियो दें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय से। इस भावात्मक निबंध में गेहूं और गुलाब को प्रतीक रूप में प्रयोग किया गया है। गेहूं हमारी आर्थिक, राजनीतिक और भौतिक प्रगति का प्रतीक है, जबकि गुलाब सांस्कृतिक और आध्यात्मिक भावना का द्योतक है, माने सूचक है या प्रतीक है। इनमें किसी पक्ष की उपेक्षा से दूसरा पक्ष स्वतः चरमरा जाता है। अब लेखक के कहने का अर्थ है कि अगर हम भौतिक प्रगति को नकार देंगे तो आध्यात्मिक प्रगति कभी नहीं हो पाएगी, इसलिए दोनों में संतुलन की आवश्यकता पर बल दिया गया है, अर्थात दोनों में संतुलन आवश्यक है। आज दोनों में असंतुलन के कारण असंतोष और नफरत की खाई और चौड़ी होती जा रही है, अर्थात जो आध्यात्मिक पक्ष है और जो भौतिक पक्ष है दोनों में असंतुलन आ गया, जिसके कारण समाज में असंतोष व्याप्त है, आपसी नफरत है और ये और बढ़ता जा रहा है। दोनों वर्गों में परस्पर द्वेष एवं कुंठा बढ़ती जा रही है, यानी दोनों पक्षों में परस्पर द्वेष यानी आपसी द्वेष भावना और कुंठा मान निराशा बढ़ती चली जा रही। इस निबंध में शारीरिक एवं मानसिक संतुलन से जीवन को सार्थक बनाने का सुझाव दिया, यानी शारीरिक और मानसिक संतुलन, यानी शरीर संतुलन का अर्थ है शरीर संतुलन होगा गेहूं से अर्थात अन्न से, और मानसिक संतुलन होगा गुलाब। गुलाब प्रतीक है सुगंध का और सुगंध संस्कृति और अध्यात्म का प्रतीक है। तो मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त होता है हमें अध्यात्म से। तो चलिए अब चर्चा करते हैं इसके निबंध से। गेहूं हम खाते हैं, गुलाब हम सूंघते हैं। एक से शरीर की पुष्टि होती है, दूसरे से हमारा मानस तृप्त होता है, अर्थात मन को तृप्ति मिलती, संतुष्ट होता है। यानी गेहूं जो प्रतीक है वो अन्न का प्रतीक है और अन्न खाने से हमारा शरीर पुष्ट होता है, और गुलाब जो है वो सूंघने खुशबू का प्रतीक है और खुशबू एक सुगंध है जो सुगंध हमारे मन को शांति देती है। गेहूं बड़ा या गुलाब, हम क्या चाहते हैं? शरीर पुष्ट या तृप्त मानस, या पुष्ट शरीर पर तृप्त मानस। अब लेखक कहते हैं अगर हम ये सोचें कि गेहूं बड़ा है या गुलाब बड़ा है, तो फिर लेखक कहता है कि हमें ये सोचना चाहिए कि हम किस चीज़ को तृप्त करना चाहते, किस चीज़ को पुष्ट करना चाहते। अगर हम गेहूं को बड़ा कहते हैं तो इसका अर्थ है हम शरीर को पुष्ट करना चाहते, और हम गुलाब को बड़ा कहते हैं तो इसका मतलब है हम अपने मानस मन को तृप्त करना चाहते, या फिर अगर हम दोनों को महत्व देते हैं तो फिर पुष्ट शरीर होगा तो तृप्त मनुष्य मानस भी हो जाएगा। यानी पुष्ट शरीर पर हम तृप्त मानस, यानी पुष्ट शरीर के साथ साथ हम तृप्त मन भी चाहते हैं। जब मानव पृथ्वी पर आया भूख लेकर, क्षुधा क्षुधा पिपासा पिपासा, यानी भूख प्यास लेकर आया, क्षुधा माने भूख, पिपासा माने प्यास, क्या खाएं क्या पिए, माँ के स्तनों को निचोड़ा, वृक्षों को झकझोरा, कीट पतंग पशु पक्षी कुछ ना छूट पाए उससे। यानी मनुष्य जब पृथ्वी पर आया तो भूख लेकर आया, अर्थात उनके उसके मन में भूख और प्यासी थी, तो भूख के लिए वो सोचने लगा क्या खाए क्या पिए। जब छोटा बच्चा था तो माँ के स्तनों को निचोड़ा अर्थात माँ का दूध पिया, और बड़ा हुआ तो वृक्षों को झकझोरा अर्थात वृक्षों से फल वगैरह खाए, फिर और बड़ा हुआ और ज्यादा उसको भूख लगी तो मनुष्य ने कीट पतंग भी खाए, पशु पक्षी कुछ ना छूटे उससे, सब कुछ खाया। गेहूं उसकी भूख का काफिला, गेहूं उसकी भूख का काफिला आज गेहूं पर टूट पड़ा है, यानी अन्न पर। गेहूं उपजाओ गेहूं उपजाओ, अब गेहूं अकेले गेहूं का प्रतीक नहीं है, अन्न का भी पूरे प्रतीक है, जितने भी प्रकार के अन्न आते, लेकिन विशेषकर यहाँ गेहूं की बात की, गेहूं की ही बात की जाएगी।
तो जब भू का काफिला और बढ़ा, यानी भू की यात्रा और बढ़ी, तो मनुष्य गेहूं पर टूट पड़ा, तो उसने बहुत सारा गेहूं उपजाया। मैदान जोते जा रहे हैं, बाड़ उजाड़े जा रहे हैं, यानी जो बाग वगैरह थी पे उजाड़े जा रहे, मैदान जोते जा रहे, यानी जनसंख्या अधिक बढ़ने से ऐसा हो रहा गेहूं के लिए। बेचारा गुलाब भरी जमानी में कहीं सिसकियां ले रहा है, यानी गुलाब की कोई सुध ही नहीं मनुष्य को, यानी वो अपना पेट भरने भर में लगा है, लेखक कह रहे हैं, और उसे कहीं भी सुध नहीं है गुलाब की। और गुलाब अपनी भरी जमानी में सिसकियां ले रहा है, अर्थात गुलाब यानी अध्यात्म और संस्कृति की उसे सुध नहीं मनुष्य को। शरीर की आवश्यकता ने मानसिक वृत्तियों को कहीं कोने में डाल रखा है, दबा रखा है, यानी जो मन की वृत्तियां हैं, जो मन की इच्छाएं हैं, वो शरीर भूख के कारण मनुष्य ने वो इच्छाएं दबा ली, कहीं कोने में उन इच्छाओं को डाल लिया। किंतु चाहे कच्चा चरे या पकाकर खाए, गेहूं तक पशु और मानव में क्या अंतर। यानी अगर कच्चा खाए तो कोई बात नहीं, पका खाए तो बात नहीं, क्योंकि गेहूं के संदर्भ में अगर देखा जाए तो पशु के लिए भी जरूरी है और मनुष्य के लिए भी जरूरी है। मानव को मानव बनाया गुलाब ने, मानव मानव तब बना जब उसने शरीर की आवश्यकताओं पर मानसिक वृत्तियों को तरजीह दी, माने महत्व दिया। यानी मनुष्य को मनुष्य किसने बनाया? गुलाब ने। गुलाब का अर्थ है संस्कृति या अध्यात्म, अध्यात्म। तो इससे मनुष्य को मनुष्यता मिली, क्योंकि उसने शरीर की आवश्यकताओं पर मानसिक वृत्तियों को तरजीह दी, माने महत्व दिया, कि शरीर की आवश्यकताएं तो पूरी की कि अपने मानसिक मन को भी मजबूत बनाया। यही नहीं, जब उसके पेट में भूख खाव खाव कर रही थी, अर्थात भूख चिल्ला रही थी, यानी भूख बहुत तेज हो रही थी, तब भी उसकी आंखें गुलाब पर टंगी थी और टकी थी, यानी तब भी उसकी आंखें संस्कृति और अध्यात्म पर थी। अब टंगी थी कहने का मतलब लटकी थी, टकी थी माने उसी पर आश्रित थी। उसका प्रथम संगीत निकला जब उसकी कमनियां गेहूं को उखल और चक्की में कूट पीस रही थी। और उसका प्रथम संगीत कब निकला? जब उसकी कामिनियां, कामिनियां यानी उस मनुष्य की पत्नियां यानी स्त्रियां जब उखल और चक्की में गेहूं को कूट पीसती हैं, तब उसकी भूख और बढ़ती, यानी मनुष्य अपने गेहूं का इंतजाम इसी प्रकार से करता है, गेहूं खाने योग्य बनता है। पशुओं को मारकर खाकर ही वह तृप्त नहीं हुआ, उसकी खाल का बनाया ढोल और उसके सींग की बनी तुरही, यानी सींग से तुरही नाद होता है, ट्रम्पेट बनाई जाती है जिसको तुरही बोलते। तो पशुओं को मारकर खाकर ही मनुष्य तृप्त नहीं हुआ, उसकी खाल का ढोल बनाया और सींग को तुरही के रूप में, एक बाजे के रूप में प्रयोग किया, मछली मारने के लिए, जो शंख की तरह जिसकी आवाज आती है भोंपू की तरह, उसको तुरही बोलते। मछली मारने के लिए जब वह अपनी नाव में पतवार का पंख लगाकर जल पर उड़ा जा रहा था, तब उसके छप छप में उसने ताल पाए, तराने छेड़े। अब लेखक कहते हैं कि मनुष्य ने अपनी नाव में पतवार का पंख लगाकर, अब मनुष्य की नाव कहने का अर्थ मनुष्य की जीवन रूपी नाव में पतवार का पंख लगाकर जल पर उड़ा जा रहा था मनुष्य, अर्थात मनुष्य किसी तरह अपना जीवन निर्वाह कर रहा, तब उसके छप छप में उसने ताल पाए, यानी मनुष्य किसी तरह चला तो उसको थोड़ा बहुत किनारा मिला। और तराने छेड़े, बांस से उसने लाठी ही नहीं बनाई, बंसी बनाई, यानी मनुष्य ने जिस प्रकार से चाहा उस प्रकार से अपनी आवश्यकताओं को पूरा किया। उसने बांस से लाठी नहीं बनाई, बंसी बजाई, अर्थात बांस लाठी में ही भर काम नहीं आया, बंसी में भी काम आया, संगीत में भी काम आया। रात का काला गुप्त पर्दा दूर हुआ, अर्थात गुप्त पर्दा कहने का मतलब रात का जो काला अंधेरा है, यानी अब अंधेरा कहने का अर्थ ये कि मनुष्य अज्ञान के अंधकार से बाहर निकला, अर्थात जो पहले वो संघर्ष कर रहा था अन्य के लिए उससे आगे हुआ। तब वह उच्छ्वसित यानी बाहर निकली, उच्छ्वास करने का अर्थ होता है बाहर निकलना, अर्थात जैसे श्वास हम बाहर फेंकते हैं तो उसको उच्छ्वास बोलते हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि अब पेट पूजा की समिधा जुटाने में उसे सहूलियत मिलेगी, बल्कि वह आनंद विभोर हुआ उषा की लालिमा से, उगते सूरज की सने सने प्रस्फुटित होने वाली माने निकलने वाली सुनहरी किरणों से,
पृथ्वी पर चमचम करते लक्ष लक्ष ओस कणों से, यानी लक्ष लक्ष माने लाखों 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 ओस कणों से, यानी मनुष्य केवल अपनी पेट की संहिता जुटाने के लिए ही जीवन नहीं जी रहा। लेखक के कहने का अर्थ है, संहिता का अर्थ समझे, जब यज्ञ हवन में हम कोई सामग्री डालते हैं जो यज्ञ की सामग्री हो, तो उसको संहिता बोलते हैं। तो मनुष्य ने केवल इस धरती पर, जब मनुष्य को ज्ञान हुआ, अज्ञान का काला जो गुप्त पर्दा था वो दूर हुआ, और मनुष्य तब वह उच्छ्वसित हुआ, अर्थात और विकसित हुआ जब मनुष्य और आगे बढ़ा, तो केवल उसने अपनी पेट का ही इंतजाम नहीं किया, बल्कि कि ताकि उसको सहूलियत हो सके, कुछ सरलता हो सके जीवन निर्माण में, बल्कि उसने आनंद विभोर हुआ उस समय, यानी उसने प्रकृति से आनंद लेना सीखा। हो उषा की लालिमा देखी, जो भोर के समय समय जब सूर्य निकलने ही वाला होता तो एक लालिमा छा जाती है, उसको देखा। उषा माने होता है भोर का समय, सुबह का। उगते सूरज की सने सने, माने धीरे धीरे जब सूरज उगता है तो उससे प्रस्फुटित होने वाली सुनहरी किरणों को देखा, अर्थात ये प्रतीक है गुलाब का, ये सब चीजें, क्योंकि ये आनंद को बढ़ा रही। गुलाब माने सुगंध, संस्कृति या आध्यात्मिकता, ये आनंद का प्रतीक है। पृथ्वी पर चमचम करते लक्ष लक्ष ओस कणों से, इन सब से वो आनंद विभोर हो गया। अब यानी पृथ्वी पर जब ओस की बूंदें होती तो सूर्य की रोशनी में चमचम आती है, तो उनसे आनंदित हुआ वो। आसमान में जब बादल उमड़े तब उसने उसमें अपनी कृषि का आरोप करके ही वह प्रसन्न नहीं हुआ। यानी ऐसा नहीं हुआ कि बादल आए तो उसने सोचा कि अब कृषि होगी, इससे ही केवल आनंद नहीं हुआ इस लक्ष्य को ध्यान में रखकर, बल्कि उसने ये भी सोचा कि उसको आनंद भी देंगे। उसके सौंदर्य बोध ने उसके मन में शोर, उसके मन मोर को नाच उठने के लिए लाचार किया, मन विवश कर दिया। यानी जब बादलों को देखा, बादलों के सौंदर्य को देखा, तो उसने केवल इतना ही मनुष्य ने नहीं सोचा स्वार्थवश कि इससे पानी गिरेगा और उसकी खेती होगी, बल्कि उसने ये भी सोचा कि बादलों को देखकर उसका मन प्रसन्न हो गया, उसका जो मन रूपी मोर है वो भी नृत्य करना, यानी मन खिल उठा, वो भी नृत्य करने के लिए तैयार हो गया मन रूपी मोर। इंद्रधनुष ने उसके हृदय को इंद्रधनुषी रंगों में भर दिया, यानी जब जब मनुष्य ने इंद्रधनुष के सातों रंगों को देखा तो मनुष्य का हृदय भी उन्हीं रंगों के समान खिल उठा, चमक उठा, यानी आनंदित हो गया। ये अर्थ है, मानव शरीर में पेट का स्थान नीचे है, हृदय का ऊपर और मस्तिष्क का सबसे ऊपर। अब लेखक कहते हैं मनुष्य के शरीर को अगर बात करें, जो पेट है वो सबसे नीचे स्थान पर है, फिर उसके ऊपर हृदय और फिर मस्तिष्क सबसे ऊपर। पशुओं की तरह उसका पेट और मानस समानांतर रेखा में नहीं, यानी पशुओं का पेट और मन समांतर होता है, यानी पशु चौपाए होते हैं चार पैरों पर चलने वाले, तो एक सा जहां जिस समानांतर पथ में उनका पेट होता है उसी समानांतर पथ में मस्तिष्क होता है, लेकिन मनुष्य के साथ ऐसा नहीं है। मनुष्य का पेट नीचे है, फिर ऊपर हृदय, फिर मस्तिष्क। जिस दिन वह सीधे तनकर खड़ा हुआ, मानस ने उसके पेट पर विजय घोषणा की। यानी लेखक के कहने का अर्थ है कि प्राचीन काल में मनुष्य जब अपने केवल पेट पर ही आश्रित था तो वह सीधा नहीं तना था, तनकर खड़ा नहीं हुआ था, लेकिन जब वो उसको ज्ञान हुआ, अज्ञान के काले गुप्त जो पर्दा है वो हटा, तब मनुष्य को ये चेतना आई, मनुष्य ने ये समझ पाया मनुष्य कि अब पेट पर विजय प्राप्त करना जरूरी है, यानी वो केवल अब खाने के लिए नहीं जिएगा, बल्कि इससे ऊपर उठेगा। आगे देखें, यानी मनुष्य के लिए गेहूं की आवश्यकता उसे है, किंतु उसकी चेष्टा रही है गेहूं पर विजय प्राप्त करने की। यानी मनुष्य सोचता तो रहा कि गेहूं जरूरी है उसके पेट भरने के लिए, लेकिन उसकी चेष्टा प्रयास ये रहा कि गेहूं पर विजय प्राप्त कर ले, यानी अन्य पर विजय प्राप्त कर ले, जो उसकी भौतिक आवश्यकता है उस पर वो विजय प्राप्त कर ले। प्राचीन काल के उपवास, व्रत, तपस्या आदि उसी चेष्टा के भिन्न भिन्न रूप हैं। यानी जो उपवास किए गए और व्रत और तपस्या की गई, वे सब इसी चेष्टा के प्रतीक है कि मनुष्य भौतिकता पर विजय प्राप्त कर ले, अर्थ के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, इन सब में विजय प्राप्त कर ले, भूख के क्षेत्र में। तो इसलिए उपवास, व्रत, ये सब इंद्रिय दमन का प्रतीक है कि मनुष्य अगर उपवास करेगा, व्रत करेगा, तो जो अन्न के प्रति उसकी लिप्सा है, जो तीव्र इच्छा है, वो टूटेगी और उसके मन को शांति मिलेगी। जब तक मनुष्य के जीवन में गेहूं और गुलाब का संतुलन रहा, वह सुखी रहा, सानंद रहा, माने आनंद के सहित रहा। यानी मनुष्य के मन में जब तक गेहूं और गुलाब, अर्थात भौतिकता और आध्यात्मिकता का संतुलन रहा, तब तक मनुष्य सुखी रहा। वह कमाता
हुआ गाता था और गाता हुआ कमाता था, यानी मनुष्य मेहनत करता था प्रसन्न होकर, गाने का अर्थ है प्रसन्न होकर, और गाता हुआ कमाता था यानी आनंद में ही कमाता भी था, यानी ये कहें कि उसके जीवन में संतुलन था, उसके श्रम के साथ संगीत बना हुआ था, यानी श्रम के साथ संगीत, यानी परिश्रम भी कर रहा था और अध्यात्म को भी लिए था, इस प्रकार से श्रम भी साथ साथ चल रहा था और अध्यात्म भी साथ साथ चल रहा था, और संगीत के साथ श्रम और संगीत के साथ श्रम चल रहा था। उसका सांवला दिन में गाय चराता था, रात में रास नचाता था, यानी श्री कृष्ण की बात की कि श्री कृष्ण दिन में तो मेहनत करते थे लेकिन रात में रास रचाते थे, यानी मनुष्य, कहने का अर्थ इधर ये कि मनुष्य दिन भर परिश्रम करता था अपने पेट के लिए और रात में आत्मचिंतन करता था, साधना करता था, भजन करता था, योग करता था। पृथ्वी पर चलता हुआ वह आकाश को नहीं भूला था और जब आकाश पर उसकी नजरें गड़ी थी तो उसे याद था कि उसके पैर मिट्टी पर है। अर्थात मनुष्य के संतुलन की लेखक इधर बात करते हैं कि जब मनुष्य धरती पर चल रहा था तो आकाश को नहीं भूला था, अर्थात भौतिकता के साथ साथ वह अध्यात्म को नहीं भूला था, अध्यात्म रूपी आकाश को, और आकाश की ओर जब उसकी नजर थी तो वो ये सोच रहा था कि वो मनुष्य भी है, उसका पेट भी है, तो उसके पेट की ओर भी उसकी निगाह थी, यानी उसका जमीन पर भी पैर पड़ा था। तो इस प्रकार से लेखक के कहने का अर्थ है कि भौतिकता के साथ साथ वह आध्यात्मिकता दोनों पर एक संतुलन स्थापित करने की सोच रहा था, किंतु धीरे धीरे यह संतुलन टूटा। अब ये कब संतुलन टूटा, यानी प्राचीन समय में गेहूं और गुलाब बराबर थे, अर्थात भौतिकता और आध्यात्मिकता संतुलन में थे, लेकिन अब धीरे धीरे ये संतुलन टूटा। अब गेहूं प्रतीक बन गया हड्डी तोड़ने वाले, उबालने वाले, नारकी यंत्रणाएं देने वाले श्रम का, यानी गेहूं पेट भौतिकता इस चीज का प्रतीक बन गई कि अब मनुष्य गेहूं को पाने के लिए हड्डी तोड़ने वाले, यानी इतना परिश्रम करे कि हड्डी टूट जाए, उबालने वाले यानी गर्मी उबले, और नारकी यातना यानी कष्ट सहे, नर्क जैसी पीड़ाएं सहे, और फिर श्रम करे तब उसको अन्न मिलेगा, तब उसको गेहूं मिलेगा, और उस श्रम का जो पेट की क्षुधा भी अच्छी तरह शांत ना कर सके, यानी फिर ऐसे संतुलन बिगड़ा कि मनुष्य ने इतना श्रम किया कि पेट की भूख भी शांत नहीं हो सकी, इतना श्रम किया, और गुलाब बन गया प्रतीक विलासता का, और गुलाब यानी आनंद आध्यात्मिकता विलासता का प्रतीक बन गई, भ्रष्टाचार का, गंदगी का, गलीज का, यानी मनुष्य हर तरीके से गिरने लगा, गाली गलौज, गंदगी, गलीज ये सब कहलाता है। वह विलासिता जो शरीर को नष्ट करती है और मानस को, यानी जो ऐशो आराम जो शरीर को तो नष्ट करता ही है, मानस हमारे मन को भी नष्ट करता है, मन को नष्ट करने का अर्थ है हमारे मन का आनंद खो जाता है। अब उसके सांवले हाथ में शंख और चक्र लिए, नतीजा महाभारत और यदुवंशियों का सर्वनाश। अब लेखक कहते हैं मनुष्य रूपी कृष्ण ने फिर हाथ में शंख लिए और चक्र लिए और नतीजा ये निकला कि युद्ध हुआ महाभारत और यदुवंशियों का सर्वनाश हुआ। वह परंपरा चली आ रही है, यानी फिर पेट के लिए और अध्यात्म के लिए शस्त्र उठे और महाभारत हुआ, और ये परंपरा आज भी चली आ रही है। लेखक कह रहा है आज चारों ओर महाभारत है, गृह युद्ध है, सर्वनाश है, महानाश है, यानी सब जगह भुखमरी भी है और लोग फिर धर्म के नाम पर लड़ भी रहे, सब जगह विनाश हो रहा है। गेहूं सिर धुन रहा है खेतों में, गुलाब रो रहा है बगीचों में, दोनों अपने अपने पालनकर्ताओं के भाग्य पर दुर्भाग्य पर, यानी गेहूं और गुलाब दोनों मनुष्य की दीनहीन दशा पर रो रहे, पछता रहे। चलो पीछे मुड़ो, गेहूं और गुलाब में हम फिर एक बार संतुलन स्थापित करें। अब लेखक कहते हैं कि चलो अब पुनः मुड़ते हैं और संतुलन स्थापित करने की कोशिश करते हैं भौतिकता में और आध्यात्मिकता में, गेहूं और गुलाब में, किंतु मानव क्या पीछे मुड़ सकता है? लेखक पूछते हैं क्या मुड़ सकता है मनुष्य या मुड़ा? तो यह महायात्रा आगे बढ़ता रहा है, आगे बढ़ता रहे। लेखक कहते हैं ये जो यात्रा है लड़ाई भिड़ाई की, आगे बढ़ती रही, क्या नवीन संतुलन चिरस्थायी हो सकेगा? और लेखक कहते हैं अगर फिर से संतुलन स्थापित किया भी जाए तो क्या ये चिरस्थायी हमेशा के लिए स्थायी हो सकेगा? क्या इतिहास फिर दोहर कर नहीं रहेगा, अर्थात फिर क्या युद्ध नहीं होंगे?
नहीं, मानव को पीछे मोड़ने की चेष्टा ना करो। लेखक कहते हैं कि फिर से मनुष्य को वैसा बनाने की कोशिश मत करो। अब गुलाब और गेहूं में फिर संतुलन लाने की चेष्टा में सिर खपाने की आवश्यकता नहीं। लेखक कहते हैं कि अब भौतिकता और आध्यात्मिकता में संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता नहीं, इसमें सिर खपाना अर्थात व्यर्थ का परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब गुलाब गेहूं पर विजय प्राप्त करे, यानी अब क्या किया जाए कि गुलाब यानी आनंद, आध्यात्मिकता और संस्कृति मिलके गेहूं पर विजय प्राप्त करें, यानी भौतिकता, आर्थिकता और राजनीतिक इन सब चीजों पर संस्कृति आध्यात्मिकता विजय प्राप्त करें। गेहूं पर गुलाब की विजय चिर विजय है, यानी आध्यात्मिकता अगर भौतिकता पर विजय पालेगी तो ये हमेशा स्थायी रहेगी। अब नए मानव की नई आकांक्षा हो, यानी नया मनुष्य नए तरीके से सोचे, नई इच्छा करे। आकांक्षा माने इच्छा। क्या यह संभव है? लेखक कहते हैं क्या यह ऐसा संभव है? बिल्कुल, सोलह आने संभव है, यानी बिल्कुल संभव है। लेखक कहते हैं विज्ञान ने बता दिया है गेहूं क्या है, और उसने यह भी जता दिया है कि मानव ने यह चिर बुभुक्षा, चिर माने हमेशा, बुभुक्षा माने होता है भूख, कभी ना मिटने वाली भूख, यानी सदा रहने वाली भूख। तो विज्ञान ने बता दिया है कि मानव में चिर बुभुक्षा क्यों है, कि क्यों मनुष्य हमेशा भूखा रहता है। गेहूं का गेहूंत्व क्या है, यानी भौतिकता की भौतिकता क्या है, हम जान गए हैं। यह गेहूं उसमें आता कहाँ से है, हम से यह पीछे पाने, यानी विज्ञान कहता है कि मनुष्य में ये लालसा कहाँ से आई, यह मनुष्य की भूख का कारण क्या है, और ये भूख पाने की इच्छा या गेहूं पाने की इच्छा कहाँ से आती है, यह हमसे छिपी नहीं है। पृथ्वी और आकाश के कुछ तत्व एक विशेष प्रक्रिया से पौधों की बालियों में संग्रहित होकर गेहूं बन जाते हैं। विज्ञान ये कहता है कि पृथ्वी और आकाश के तत्व जो हैं, विशेष प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पौधों की बालियों में संग्रहित होकर गेहूं बन जाते हैं, अर्थात गेहूं की उत्पत्ति ऐसे होती है। उन्हीं तत्वों की कमी हमारे शरीर में भूख नाम पाती है, यानी वही तत्व जब हमारे शरीर में कम होते हैं तो उसको हम भूख कहते हैं, और जो भूख इसी गेहूं को खाकर पूरी होती है। क्यों पृथ्वी की जुताई, कोड़ाई और गुड़ाई, क्यों आकाश की दुहाई? अब पृथ्वी की जुताई, कोड़ाई, गुड़ाई कहने का अर्थ है जो भी प्रक्रियाएं की जाती हैं, जुताई हो गई, कोड़ाई हो गई, गुड़ाई हो गई, गोड़ना मिट्टी को, खोदना, गोड़ना, ये सब चीजें जो हैं, ये क्यों आवश्यक है? और क्यों आकाश की दुहाई अर्थात ईश्वर की ओर हाथ फैलाकर ऊपर आकाश की ओर ये प्रार्थना करना कि बारिश हो, ये क्यों हो रहा? हम पृथ्वी और आकाश में उन तत्वों को सीधे ग्रहण क्यों ना करें? और लेखक कहता हम ऐसे इतना सब क्यों करें, हम पृथ्वी में जो भी तत्व हैं उनको सीधे ग्रहण क्यों ना करें? यह तो अनहोनी बात, यूटोपिया, यूटोपिया। लेखक कहते हैं ये ऐसी एक कल्पना है जो असंभव है। यूटोपिया माने ऐसी कल्पना, ऐसा स्वप्न जो असंभव है, ऐसा विचार। ऐसा नहीं हो सकता कि हम केवल सोच के ही कोई चीज प्राप्त करें, उन तत्वों को सीधे नहीं ग्रहण कर सकते। हाँ, यह अनहोनी बात है, यूटोपिया अब तक बनी रहेगी तक विज्ञान संहार कांड के लिए ही आकाश पाताल एक है। विज्ञान संहार कांड के लिए ही आकाश पाताल एक करता रहेगा। अब लेखक कहते हैं ये बात अनोखी ही बनी रहेगी, अनहोनी ही बनी रहेगी, यानी ये कभी नहीं होगी। और विज्ञान संहार कांड के लिए अर्थात विनाश के लिए आकाश पाताल भी एक करेगा, अर्थात सर्वत्र विनाश करते ही रहेगा विज्ञान। जो ही उसने जीवन की समस्याओं पर ध्यान दिया वह हस्तामलकवत सिद्ध होकर रहेगी। और लेखक ये कहते हैं कि जो ही मनुष्य ने जीवन की आवश्यकताओं पर ध्यान दिया वह मनुष्य के लिए हस्तामलक यानी आंवले हाथ में रखे आंवले के समान सरल सिद्ध हो जाएगी। और विज्ञान को इस ओर आना है, नहीं तो क्या मानव, मानव का क्या, सारे ब्रह्मांड का संहार निश्चित है। और लेखक कहते हैं कि यदि मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं को समझा, विज्ञान का सहारा लिया, तो ये उसी तरह ये बात सिद्ध हो जाएगी मनुष्य के लिए, गेहूं की आवश्यकता पूरी हो जाएगी, संस्कृति की आवश्यकता पूरी हो जाएगी, जैसे हाथ में रखा हुआ आंवला। और विज्ञान को इस ओर आना होगा, नहीं तो मानव का क्या, सारे ब्रह्मांड का संहार निश्चित, यानी मनुष्य फिर तो पूरे ब्रह्मांड संसार का ही नष्ट कर देगा। विज्ञान धीरे धीरे इस ओर कदम बढ़ा भी रहा है, यानी विज्ञान भी धर्म और अध्यात्म से जुड़ रहा है। कम से कम इतना तो वह तुरंत
कर ही देगा कि गेहूं इतना पैदा होगी, जीवन की अन्य परमावश्यक वस्तुएं हवा पानी की तरह इफरात हो जाएं, माने प्राप्त हो जाएं, सहज हो जाएं। विज्ञान इतना तो कर ही सकता है, कितनी आवश्यकता, यानी हमें गुलाब यानी सुगंध या ये कहें संस्कृति और आध्यात्मिकता तभी प्राप्त हो सकती है जब हम विज्ञान का सहारा लें, लेखक के कहने का अर्थ है। और विज्ञान की मदद से इतना अन्न उपजे, इतना गेहूं हो कि मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं, जो भौतिकता की आवश्यकताएं हैं, राजनीतिक आकांक्षाएं, ये सब पूरी हो सके, और अर्थ के संबंधी यानी जो भी भौतिक आवश्यकताएं मनुष्य की पूरी हो सके, इसमें विज्ञान को मदद करना पड़ेगी। और जब ये सब आवश्यकताएं पूरी होगी तभी मनुष्य संस्कृति की ओर, गुलाब की ओर बढ़ पाएगा, अध्यात्म की ओर बढ़ पाएगा। क्योंकि कहा गया है भूखे भजन न होए गोपाला, यानी भूखे पेट भजन भी नहीं होता। बीज खाद सिंचाई जुताई के ऐसे तरीके निकलते ही जा रहे हैं जो गेहूं की आवश्यकता को हल कर दे। ये विज्ञान इतना करता जा रहा है, ऐसे ऐसे तरीके आ रहे हैं जिससे ये सब समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो जाएं। प्रचुरता माने अधिकता, शारीरिक अवस्थाओं आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले साधनों की प्रचुरता, यानी ऐसे ऐसे साधन जुटाए जाएं विज्ञान की मदद से जो हमारे शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करें, जो जो हमें भौतिक क्षेत्र में आवश्यक वस्तुएं चाहिए वे सब हमें प्राप्त हो जाएं। तो प्रचुरता की ओर आज का मानव प्रभावित हो रहा है, यानी इन सब चीजों की ओर मनुष्य का आजकल ध्यान बढ़ रहा है। प्रचुरता, अब लेखक कहते हैं एक प्रश्न चिन्ह, प्रचुरता अर्थात पर्याप्तता, यानी कोई चीज पर्याप्त अवस्था में प्राप्त होती है, एक प्रश्न चिन्ह है। क्या प्रचुरता मानव को सुख और शांति दे सकती है? अब लेखक ये कहते हैं क्या प्रचुरता से मनुष्य को सुख और शांति मिल सकती है? हमारा सोने का हिंदुस्तान, यह गीत गाइए किंतु यह ना भूलिए कि यहाँ एक सोने की नगरी थी जिसमें राक्षसता वास करती थी। लेखक के कहने का अर्थ है कि हम ये गीत भी गाएं कि हमारा सोने का हिंदुस्तान, तो हम ये ना भूलें कि भारत कभी एक सोने की चिड़िया था और जिसमें राक्षसता वास करती थी, अर्थात मनुष्यता को हरने के लिए राक्षस भी आए। राक्षसता जो रक्त पीती थी, अभक्ष खाती थी, यानी वो भी खाती थी जो खाने योग्य नहीं, अभक्ष है, जिसके अकाय शरीर से, अकाय शरीर यानी जिसकी कोई काय ही नहीं थी, शरीर ही नहीं था, ऐसे शरीर से 10 सिर थे, जो 6 महीने सोती थी और जिसे दूसरी की बहु बेटियों को उड़ा ले जाने में तनिक भी झिझक नहीं थी। उड़ा ले जाने का मतलब है हर ले जाना, यानी ऐसी राक्षसता, ऐसी दुर्दैन बुरे दिन थे भारत में जब ये सब बुराइयां व्याप्त थी, संसार में ऐसा राक्षस व्याप्त था जिसके 10 सिर थे, 6 महीने सोता था। रावण से तुलना कर सकते, कुंभकर्ण से तुलना कर सकते, जो दूसरों की बहु बेटियों की इज्जत को तनिक भी उड़ाने में तनिक भी झिझक नहीं थी, उसको शर्म नहीं थी। गेहूं बड़ा प्रबल है, अब गेहूं बड़ा प्रबल है अर्थात जो भूख है, जो भौतिकता की जो लालसा, वो बहुत प्रबल है। बहुत दिनों तक हमें शरीर का गुलाम बनकर रखना चाहेगा, यानी भूख इतनी तेज होती है कि बहुत दिन तक हम अपने मन को भूख के ही अधीन रखते हैं, अर्थात भौतिकता में ही लगे रहते हैं। पेट की क्षुधा शांत कीजिए, यानी लेखक कहने का अर्थ है पेट की क्षुधा शांत, यानी पेट की भूख शांत करें। जो भौतिकता के प्रति जो लालसा है मनुष्य को, वो शांत करना चाहिए। जो वह वासनाओं की क्षुधा जागृत कर आपको बहुत दिनों तक तबाह करना चाहिए, यानी गेहूं का इतना वेग है, इतना प्रबल प्यास है गेहूं के प्रति, इतनी भूख है मनुष्य की यानी भौतिकता के प्रति, कि मनुष्य की वासनाएं जागृत हो रही, वासनाओं की जो क्षुधा है, जो भूख है, इच्छाओं की जो भूख है, वो जागृत हो रही। बहुत दिनों तक यह भूख मनुष्य को तबाह करती रहेगी, करना चाहेगी। तो प्रचुरता में भी राक्षस ना आवे, इसके लिए क्या उपाय? अब लेखक कहते हैं कि प्रचुरता यानी कोई चीज पर्याप्त भूख रहे, भौतिकता के प्रति लालसा रहे, और राक्षस ना आए, यानी वो प्रवृत्ति ना आए जो हमें विनाश की ओर ले जाए या दूसरों को विनाश की ओर ले जाए। राक्षसता का कहने का अर्थ है प्रवृत्ति, वो गुण। अपनी वृत्तियों को बस में करने के लिए आज मनोविज्ञान दो उपाय बताता है, इंद्रियों के संयमन और वृत्तियों के उन्नयन का। अब मनोविज्ञान ये कहता है कि अगर हमें इन वृत्तियों को समाप्त करना है, बुरी इच्छाओं को, तो हमें इंद्रियों का संयमन करना पड़ेगा, यानी आंख कान नाक जो भी हमारी इंद्रियां हैं जिनसे हम कार्य करते हैं उनको संतुलन में लाना होगा, और वृत्तियों का उन्नयन करना होगा, यानी जो हमारी वृत्तियां हैं इच्छाएं हैं उनको ऊंचा रूप देना पड़ेगा, यानी उच्च इच्छाएं बनाए। उच्च इच्छाएं कहने का अर्थ है कि ऐसी इच्छाएं जो कल्याणकारी हैं वे करना पड़ेंगे।
संयमन का उपदेश हमारे ऋषि मुनि देते आए हैं। और लेखक कहते हैं जो संयमन है, संयम करने का उपदेश है, इंद्रियों के संयमन की बात ऋषि मुनि कहते आए, किंतु इसके बुरे नतीजे भी हमारे सामने है। बड़े बड़े तपस्वियों की लंबी लंबी तपस्याएं एक रंभा, एक मेनका, एक उर्वशी की मुस्कान पर स्खलित हो गई, माने बह गई। अब लेखक कहते हैं बड़े बड़े जो तपस्वी ऋषि हुए उनकी बड़ी बड़ी तपस्याएं, अब इच्छा रूपी जो ये अप्सराएं हैं रंभा, मेनका, उर्वशी, इनकी मुस्कान पर ही टूट गई उनकी तपस्याएं, बह गई, स्खलित हो गई। आज भी देखिए, अर्थात मनुष्य भूख के आगे परास्त हो गया, भौतिकता के आगे परास्त हो गया, उसे आध्यात्मिकता यानी गुलाब की सुधी ना रही। लेखक के कहने का अर्थ ये है। आज भी देखिए, गांधी के 30 वर्ष के उपदेशों और आदेशों पर चलने वाले हम तपस्वी किस तरह दिन दिन नीचे गिरते जा रहे हैं, यानी गांधी के सिद्धांतों पर चलने वाले हम लोग भी दिन ब दिन नीचे गिरते चले जा रहे हैं, और नीचे गिरते माने हमारा पतन होता चला जा रहा है। इसलिए एक उपाय एकमात्र है वृत्तियों के उन्नयन का। अब लेखक कहते हैं तो फिर संतुलन का एक ही उपाय है, और वो है वृत्तियों का उन्नयन, यानी जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारी वासनाएं हैं, उनको ऊंचा रूप प्रदान करें। कामनाओं को स्थूल वासनाओं के क्षेत्र से ऊपर उठाकर सूक्ष्म भावनाओं की ओर प्रवृत्त करें, यानी हमारी जो कामनाएं हैं वो स्थूल वासनाएं ना हो। स्थूल वासनाएं कहने का मतलब स्थायी इच्छाएं ना रहे, बल्कि सूक्ष्म भावनाएं का रूप लेकर ऊंची हो जाए, उन्नत हो जाए, बढ़ जाए, उस ओर प्रवृत्त हो जाए, उच्चता की ओर, शरीर पर मानस की पूर्ण प्रभुता स्थापित हो, गेहूं पर गुलाब की। लेखक कहते हैं उन्नति तभी होगा जब शरीर पर मन अपना काबू लाए, यानी शरीर से मन न चले, मन से शरीर चले, यानी ये कहें कि फिर तभी ऐसा हो पाएगा, यानी जब ये हो जाएगा, शरीर पर मन का अधिकार होगा, तो फिर गेहूं पर गुलाब का अधिकार हो जाए, अर्थात आध्यात्मिकता भौतिकता को ढक लेगी और उसको अपने अधीन कर लेगी। गेहूं के बाद गुलाब, बीच में कोई दूसरा टिकाव नहीं, ठहराव नहीं, यानी गेहूं के बाद गुलाब। मान लिया अगर हमें भौतिकता पूरी मिल भी जाए और उसके बाद फिर आध्यात्मिकता पाने की कोशिश करें तो इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन फिर बीच में टकराव ना हो दोनों के बीच, गेहूं और गुलाब के बीच संतुलन की अवस्था बनी रहे। गेहूं की दुनिया खत्म होने जा रही है, वह स्थूल दुनिया जो आर्थिक और राजनीतिक रूप में हम सब पर छाई है। अब लेखक कहते हैं गेहूं की जो दुनिया है, जो भौतिकता की दुनिया है, स्थूलता की दुनिया है, आर्थिक और राजनीतिक रूप में जो हमारे सामने है, वो सब खत्म होती होने जा रही, और जो दुनिया हम पर छाई अर्थात इस वृत्ति, ये जो वृत्ति है गेहूं के प्रति, भौतिकता के प्रति, वो हट रही है। जो आर्थिक रूप से रक्त पीती रही है, यानी अर्थ धन के रूप में जो रक्त पीती रही है अर्थात शोषण करती रही, राजनीतिक रूप में रक्त की धारा बहाती रही, अर्थात हम भौतिकता के अधीन रहे और शोषण करते रहे, रक्त की धारा बहाने का अर्थ शोषण करना। अब वह दुनिया आने वाली है जिसे हम गुलाब की दुनिया कहेंगे। अब लेखक कहता है वह दुनिया आने वाली जिसे हम गुलाब की दुनिया कहेंगे, अर्थात आध्यात्मिकता की दुनिया। गुलाब की दुनिया का मतलब है मानस का संसार, मन का संसार, सांस्कृतिक जगत, जिसमें संस्कृति का बोलबाला हो, अध्यात्म का बोलबाला हो, आनंद का बोलबाला हो, मन की कंट्रोलिंग हो। आहा, कैसा वह शुभ दिन होगा। लेखक आश्चर्य में कहते हैं कि वह दिन कितना शुभ होगा जब गुलाब की दुनिया आएगी, जब हम स्थूल शारीरिक आवश्यकताओं की जंजीर तोड़कर सूक्ष्म मानव जगत का नया लोक बसाएंगे, अर्थात मन के आनंद रूपी लोक में विचरण करेंगे, अर्थात मन से प्रसन्न होंगे, और स्थूल की जो आवश्यकताएं हैं, शरीर की आवश्यकताएं, उस पर ध्यान उतना नहीं देंगे। जब गेहूं से हमारा पिंड छूट जाएगा, अर्थात भौतिकता के प्रति जो हमारी लालसा है, अर्थ और राजनीति के प्रति, जब ये छूट जाएगी और हम गुलाब की दुनिया में स्वच्छंद विहार करेंगे, माने घूमेंगे, फिर हम सांस्कृतिक रूप से संस्कृति में विचरण करेंगे और आध्यात्मिकता में। गुलाब की दुनिया रंगों की दुनिया, सुगंधों की दुनिया, यानी आनंद ही आनंद की दुनिया, जहाँ रंग है प्रेम के और सुगंध है आनंद की। भौरे नाच रहे हैं, गूंज रहे हैं, फूल सुंघनी फुदक रही है, यानी जो फूल को सूंघने वाली जो तितलियां हैं वो फुदक रही, अर्थात आनंद ही आनंद, नृत्य गीत आनंद उछाए, माने उत्साह है, ये सब है। जब गुलाब की गेहूं पर विजय होती है तब ऐसा होता है, यानी आध्यात्मिकता भौतिकता को जीत लेती है, संस्कृति भौतिकता को जीत लेती है। मनुष्य का मन जब संस्कृति और अध्यात्म की ओर बढ़ता है,
तब भूख अपना असर छोड़ देती, यानी मनुष्य की इच्छाएं वासनाएं जो है जो मनुष्य को तड़पा रही, नीचे गिरा रही, फिर नीचे नहीं गिरा पाती। कहीं गंदगी नहीं, कहीं कुरूपता नहीं, अर्थात सब जगह आनंद ही आनंद है। आंगन में गुलाब अर्थात घर में हमारी आध्यात्मिकता, खेतों में गुलाब, हमारे पास पड़ोस में गुलाब, खेतों में गुलाब कहने हमारे समाज में संस्कृति, आनंद, अध्यात्म। गालों पर गुलाब खिल रहे, आंखों से गुलाब झांक रहा। गालों पर गुलाब खिल रहे अर्थात मुस्कान रूपी आनंद हमारे गालों पे दिख रहा। तो मुस्कान रूपी जो गुलाब है, आनंद रूपी गुलाब गालों में दिख रहा अर्थात प्रसन्न है, आनंद से आंखों से गुलाब झांक रहा, यानी संस्कृति और आध्यात्मिकता हमारी आंखों से झलक रही। जब सारा मानव जीवन रंगमय, सुगंधमय, नृत्यमय, गीतमय बन जाएगा, वह दिन कब आएगा? अब लेखक इधर कल्पना करते हैं, सोचते हैं कि ऐसा कब होगा कि जब सर्वत्र एक रंग होगा, सुगंध होगी, नृत्य होगा, गीत होंगे, आनंद ही आनंद होगा। और लेखक कहते हैं वह आ रहा है, क्या आप देख नहीं रहे? कैसी आंखें हैं आपकी, यानी क्या मनुष्य देख नहीं पा रहा? शायद उन पर गेहूं का मोटा पर्दा पड़ा। गेहूं का मोटा पर्दा कहने का अर्थ है भौतिकता का मोटा पर्दा, अर्थात लालसा जो है भौतिकता के प्रति वो है। मनुष्य बहुत ज्यादा इच्छाएं कर रहा है, मनुष्य बहुत ज्यादा सोचता है कि वो भौतिक क्षेत्र में आगे बढ़ जाए, उसकी लालसाएं बढ़ी हैं। तो इस कारण से ये पर्दा उसको देखने नहीं दे रहा कि सब जगह आनंद और ये दुनिया फिर से आने वाली है, रंग की, सुगंध की, नृत्य की, गीत की। फिर लेखक सलाह देते पर्दे को हटाइए, अर्थात ये जो वासना है वो हटाइए गेहूं के प्रति, भूख के प्रति। देखिए वहां अलौकिक स्वर्गिक दृश्य इसी लोक में। तो फिर जब ये हट जाएगा, फिर जब देखेंगे तो सब जगह अलौकिक, यानी अलौकिक का मतलब होता है इस लोक का नहीं परलोक का आनंद, यानी स्वर्ग का आनंद मिलेगा। और इसी देश, इसी लोक में अर्थात धरती में ही स्वर्ग मिलेगा, और अपनी इस मिट्टी की पृथ्वी पर हो, और फिर वह आनंद इसी मिट्टी पर, इसी धरती पर मिलेगा। सौ के दीदार अगर है तो नजर पैदा कर। और लेखक कहते हैं कि यदि सौ के दीदार, यानी आत्म साक्षात्कार, ईश्वर को देखना है, तो सौ के दीदार अगर है, अगर देखने का इच्छा है, शौक है, तो नजर पैदा कर। हमारे पास वो दृष्टि होनी चाहिए, अगर हम आनंद पाना चाहते तो आनंदमयी दृष्टि हो, तब सब जगह आनंद है। तो इस प्रकार से यह जो राम वृक्ष बेनीपुरी जी का गेहूं बनाम गुलाब निबंध है, ये यही समाप्त होता है। आशा है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आगे अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव।